नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी को अपने चैनल प्रकृति के क्लोज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे गार्डन में अनगिनत ढेरों पौधे होते हैं, फिर भी हमें नर्सरी जाकर और पौधे और नए नए पौधे लाने का दिल करता है। तो मैंने भी इन दिनों बरसात की पहली शॉपिंग की है, सस्ती शॉपिंग की है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पौधे मैंने सस्ते में लिया है। तो सबसे पहले नंबर पर जो आप देख रहे हैं, ये क्रॉसेंड्रा का पौधा है और बहुत ही सस्ते में मुझे मिल गया। ये बहुत ही शुभ और ऑस्पिशियस होता है। इसके जो ये पुष्प होते हैं, इसे सुहागने अपने गजरा में ज़रूर शामिल करती हैं। खास करके दक्षिण भारत में इस फूल को बहुत ही शुभ माना जाता है और कटिंग से ये आसानी से लग जाता है। तो अभी बरसात का सीज़न शुरू हो गया है तो मैंने इसीलिए इसे लाई है ताकि इसे अपने गार्डन में ऐड करूं और ढेर सारे कटिंग लगा कर इसे मल्टीप्लाई करूं। तो ये क्रॉसेंड्रा का पौधा मुझे ओनली 30 रुपये में मिला। नेक्स्ट दोस्तों, ये पीस लिली बहुत ही ऑस्पिशियस और ऑक्सीजन गिविंग प्लांट होता है। वैसे तो पीस लिली मेरे पास है लेकिन ये मुझे बहुत ही सस्ता और हेल्दी मिल गया। तो एक प्लांट लवर को जब कहीं भी अच्छा हेल्दी और सस्ता रीजनेबल पौधा मिले तो वो भला कैसे नहीं ले। तो ये भी मुझे केवल 35 रुपये में मिल गया और बहुत ही अच्छा हेल्दी और मल्टीपल ब्रांचेस लिए हुए है। इसमें बेहद ही खूबसूरत फ्लावर्स वाइट कलर का आता है। हालांकि इसकी पत्तियां भी बेहद ही खूबसूरत होती है। ये मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है और ये एक शेड लविंग प्लांट होता है। इसे आप अपने इंडोर गार्डन में शामिल करें। तो ये मुझे 35 रुपये में मिला तो इसीलिए मैंने ले लिया। नेक्स्ट दोस्तों, ये अरेलिया का पौधा है। ये भी काफ़ी खूबसूरत एक सेमी शेड का पौधा होता है और बहुत ही रफ्ड अप पौधा होता है और बरसात में इजली इसकी कटिंग लग जाती है। तो ये वाली अरेलिया की वैरायटी मेरे पास नहीं थी। इसकी चौड़ी चौड़ी गोलाकार पत्तियाँ मुझे बेहद ही आकर्षित लगी अपने और, तो मैंने इसे ले लिया। इसमें लाइट और डार्क ग्रीन का वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं वाइट कलर की भी वेरिएशन है। तो ये मुझे 40 रुपीज़ में मिला है, काफ़ी सस्ता मिल गया, हेल्दी है, कट्टे में लगा हुआ है। तो धीरे धीरे कर मैं इसे रिपॉट करूँगी। और बहुत ही खूबसूरत है ये अरेलिया और बहुत हार्डी होता है और इन दिनों रेनी सीजन में कटिंग से आसानी से लग जाती है। तो आप लोगों को भी मैं इसकी कटिंग लगाना बताऊँगी। नेक्स्ट दोस्तों, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फेलोडेंड्रॉन का पौधा आप देख रहे हैं। फेलोडेंड्रॉन ब्राज़ील इसे कहा जाता है। बहुत ही हेल्दी पौधा है और बूशी भी है और काफ़ी सस्ता भी मुझे मिल गया है ये पौधा। हालांकि फेलोडेंड्रॉन की कई वैरायटियां होती हैं लेकिन ये सारे जो वैरायटी, ये वाली वैरायटी है फेलोडेंड्रॉन ब्राज़ील की, ये थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। और जो बिगनर होते हैं और फेलोडेंड्रॉन की पौध अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो इससे वो शुरुआत कर सकते हैं। काफ़ी सस्ते में मुझे मिल गई है, ओनली 40 रुपीज़ में ये मुझे मिला है। तो इसीलिए मैं इसे झट से ले ली हूँ। तो फेलोडेंड्रॉन की कई सारी वैरायटियाँ आपको देखने को मिलेगी नर्सरी में जाने से, लेकिन आप इसे ज़रूर सेलेक्ट करें। और कटिंग से इजीली ये प्रोपगेट भी हो जाती है क्योंकि फेलोडेंड्रॉन की हर नोड पर एरियल रूट निकले हुए होते हैं। और इन दिनों मानसून चल रहा है तो ज़रूर अपने गार्डन में नए नए वैरायटीज ऐड करें और कटिंग से बहुत सारे मल्टीप्लाई करें, मुफ्त में ढेरों पौधे तैयार करें। तो आप लोग बताते चलिएगा कि कौन सा पौधा आपको सबसे अच्छा लगा। और देखिए, सबसे ख़ास बात कि इसमें जो सॉइल दी गई है, काफ़ी अच्छी सॉइल दी गई है, भुरभुरी सॉइल दी गई है, जिससे काफ़ी अच्छा पौधा हेल्दी है। देखिए, इस तरह के सैंडी सॉइल में इसे लगाया गया है। अमूमन आपको नर्सरी में ये 50 से 60 में मिलेगा लेकिन मुझे 40 में मिला। नेक्स्ट दोस्तों, ये ड्रेसिना की बेहद ही खूबसूरत वैरायटी आप लोग देख रहे हैं। तो ये मेरे पास ऑलरेडी थी लेकिन गर्मी में मैं बाहर चली गई थी तो मेरे पीछे से ये पौधा डेड हो गया, तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ लगा। तो मैं सेम वैरायटी मुझे सस्ते में मिली तो मैं इसे लेकर आई हूँ। और अमूमन आपको ड्रेसिना की जो वैरायटी है 60-70 रुपये में मिल जाएगी, तो मुझे ये काफ़ी सस्ता मिल गया। मेरे होम टाउन मेरा मायका मैं गई थी कुछ दिनों पहले,
तो वहीं से मैं पौधे लाई हूँ। हालांकि कुछ पौधे जमशेदपुर की नर्सरी की भी है, तो ये मेरे होम टाउन से मैं लेकर आई हूँ, तो वो मुझे 30 रुपये में मिला। नेक्स्ट दोस्तों, ये देखिए इरेंथिमम का ये पौधा है, इसकी पत्तियों की वेरिएशन देखिए, नीचे से पर्पल, ऊपर से वाइट और ग्रीन, जो कि काफ़ी खूबसूरती इसे प्रदान करती है। इसे लैला मजनू का पौधा भी कहा जाता है और ये वेरीगेटेड इरेंथिमम के नाम से भी जाना जाता है। इरेंथिमम की कई सारी वैरायटीज़ होती है और ये सेड लविंग पौधा होता है। इसे धूप में मत रखिएगा वरना इसकी पत्तियाँ जल जाएंगी और कटिंग से काफ़ी इजली प्रोपागेट भी हो जाती है। तो एक बार आप इस पौधे को अपने गार्डन में लाएं और कटिंग से ढेरों ढेरों पौधे बनाएं तो बहुत ही आसानी से बरसात के दिनों में लग जाएगी। तो ये मुझे ओनली 30 रुपीज़ में मेरे होम टाउन में मिली। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सस्ती कोलियस की कुछ वैरायटीज़ मैं अपने गार्डन में ऐड करी हूँ, जो वैरायटी मेरे पास नहीं थी। ये कुछ नई वैरायटी मैंने अपने गार्डन के लिए सेलेक्ट किया है। तो इस तरह से देखिए, ऊपर की टिप को हम लोग पिंचिंग कर कर पौधे को बुशी बना सकते हैं। हालांकि कोलियस तो सस्ता मिल जाता है, लेकिन जमशेदपुर में 40 रुपये के नीचे कोलियस कहीं भी नहीं मिलता है और मेरे होम टाउन की नर्सरी से मुझे ये ओनली 15 यानी कि 15 रुपये करके मुझे ईच कोलियस पड़े हैं। और एक ये कोलियस देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत दिनों से मैं ये वाली कोलियस ढूँढ रही थी, जो मुझे जमशेदपुर में नहीं देखने को मिली, वो मुझे धनबाद की नर्सरी में मिल गई। तो आप लोग कई सारे लोग झारखंड से होंगे, धनबाद से भी होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो लोग जानना चाहते होंगे कि कौन सी नर्सरी से ली हूँ मैं। तो धनबाद की रणधीर वर्मा चौक के पास कई सारे रोड साइड नर्सरीज है, वहीं से मैंने ये सारी वैरायटीज़ कोलियस की ओनली 50 रुपीज़ ईच करके लिया है। इतने सस्ते कोलियस तो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। एक ये न्यू वैरायटी अपने गार्डन के लिए मैंने ऐड करी है, बेहद ही खूबसूरत है। इसकी पत्तियों के किनारे जो कटे हुए एजेज है वो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। तो ये तीनों कोलियस मेरे गार्डन के लिए बिल्कुल नए सदस्य हैं और जब ये सस्ते मिले तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है और कटिंग से अब मैं इसे बहुत सारी मल्टीप्लाई करूँगी। नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत और नई वैरायटी की वेरीगेटेड पर्सलेन मुझे मिली है ओनली 15 रुपीज़ में और फूल भी इसमें बहुत ही सुंदर कलर के आएंगे और इसकी पत्तियों की जो वेरीगेशन है, सहसा ही आप इसे देखेंगे तो इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे और कटिंग से आप ढेरों इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ही हार्डी पौधा होता है और एक्सट्रीम विंटर को छोड़कर सालों भर ये कटिंग से इजली लग जाता है। तो 15 रुपये में ये कोई महंगा सौदा नहीं है, बहुत ही सस्ता मिल गया। नेक्स्ट दोस्तों, ये ब्रोकन हार्ट का पौधा मैं लेकर आई हूँ मेरे होम टाउन से और बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियों पे जो ये कटिंग बने हुए होते हैं नेचुरल, ऐसा लगता है कि कोई कीड़ा इसे खा गया हो, लेकिन ईश्वर ने इसकी संरचना ऐसे ही की है और ये कटे हुए जो भाग है इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। इसकी यूनिकनेस इसी में है। काफ़ी बढ़िया सॉइल में पॉट में लगा हुआ ये मुझे 60 रुपीज़ में मिल गया, जहाँ मुझे कोई भी जगह ये सस्ता नहीं मिलता है, 100 रुपीज़ के ऊपर ही मिलता है, तो 60 रुपये में ये काफ़ी सस्ता हुआ है ना। नेक्स्ट दोस्तों, ये देखिए पोर्टुला का देसी वाला येलो कलर का मुझे मिला है। हाइब्रिड येलो कलर तो मेरे पास है और हर साल वो खुद ही सीड गिरता है उसमें और हर साल समर में खुद ही ग्रो हो जाता है, लेकिन विंटर में हाइब्रिड पोर्टुला का गल जाता है, तो मैंने देसी वाला लिया है येलो कलर का और ये मुझे 15 रुपये में मिल गया। तो कैसी लगी आज की मेरी ये सस्ती शॉपिंग, परमानेंट पौधों की शॉपिंग की है मैंने, तो ज़रूर बताइएगा। शॉपिंग जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन आइकन को प्रेस करना मत भूले दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।